सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से 5 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। पहला स्क्रिप्ट पे मैंने एशियन पेंट पे सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 1396 पे आपको सेल करना है और इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1399.2 है। तो जो अभी थोड़ा नीचे की तरफ आएगा तभी आप इस पे सेलिंग करेंगे, आपकी स्टॉप लॉस 1406 रहेगा, पहला टारगेट 1386 और सेकेंड टारगेट 1376 रहेगा। अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो 1404 पे सेल कर सकते हैं, इसकी करेंट मार्केट प्राइस अभी 1407.9 है। अगर आप इस पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं आपको स्टॉप लॉस 1414 पे रखना है, पहला टारगेट 1394 और सेकेंड टारगेट 1384 रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट टू पे मैंने भारतीय एयरटेल पे सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 299 पे शॉर्ट सेलिंग करना है, करेंट मार्केट प्राइस इसका 300.8 है। अगर आप इस पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं आपको स्टॉप लॉस 302 पे रखना है, पहला टारगेट 295 और सेकेंड टारगेट 291 रखना है। दोस्तों, अगर आप भारतीय एयरटेल का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं 301 पे शॉर्ट सेलिंग कीजिए, करेंट मार्केट प्राइस इसका 302.9 पे रखना है, आपको स्टॉप लॉस 303 पे रखना है, पहला टारगेट 297 और सेकेंड टारगेट 293 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने बीपीसीएल को सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 312 पे आपको सेल करना है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 315.65 है। तो जब ये 3 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ आएगा तभी आप इस पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे और आपकी स्टॉप लॉस 316 पे रहेगा, पहला टारगेट 308 और सेकेंड टारगेट 304 पे रखना है। दोस्तों, अगर आप बीपीसीएल का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं 303 पे सेल कीजिए, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 306.95 पे रखना है, आपकी स्टॉप लॉस 307 पे रखना है, पहला टारगेट 299 और सेकेंड टारगेट 295 रखना है। तो दोस्तों, ये था थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फोर पे मैंने गेल पे सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 306 पे सेल करना है, करेंट मार्केट प्राइस 307.95 है, आपको स्टॉप लॉस 310 पे रखना है, पहला टारगेट 301 और सेकेंड टारगेट 298 रखना है। दोस्तों, अगर आप गेल का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं 307 पे आप सेल कर सकते हैं, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 308.95 है और आपको स्टॉप लॉस 311 पे रखना है, पहला टारगेट 303 और सेकेंड टारगेट 299 रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने हिंडालको को सेल के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 190.5 पे सेल करना है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 191.75 है, स्टॉप लॉस आपको 192.5 पे रखना है, पहला टारगेट 188.5 और सेकेंड टारगेट 186.5 पे रखना है। दोस्तों, अगर आप हिंडालको का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं 191.5 पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 192.85 है, स्टॉप लॉस 193.5, पहला टारगेट 189.5 और सेकेंड टारगेट 187.5 पे रखना है। दोस्तों, ये था पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस और मैंने ये पांचों स्क्रिप्ट पे सेल के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने निफ्टी पे सेल के लिए बताया है, इसका जो क्लोजिंग आया है 10,794.4 पे, तो जब ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा 10,765 के आसपास आप इस पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, इसकी स्टॉप लॉस आपको 10,810 पे रखना है, पहला टारगेट 10,700 और सेकेंड टारगेट 10,660 रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग है 27,090 पे क्लोज हुआ है, तो जब ये 40 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ आएगा 27,050 के आसपास आप इस पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस 27,150 रखना है, पहला टारगेट 26,950 और सेकेंड टारगेट 26,850 रखना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।